हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील चौधरी, दीप होम जयपुर से। और यार, आज की जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार इंटीरियर के साथ आज की ये प्रॉपर्टी होने वाली है। श्री जी आराधना के नाम से ये आज का प्रोजेक्ट है, जो कि वैशाली नगर के बहुत ही नज़दीक है। कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो यहाँ से अजमेर रोड, 200 फीट बाईपास, वैशाली नगर, बहुत ही शानदार यहाँ से कनेक्टिविटी है इनकी। यहाँ पर आप एक बार बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो आप देख सकते हैं। आप देखिए, बाउंड्री वॉल जो है अपनी पार्किंग की, उस पर भी बहुत ही शानदार यहाँ पे वर्क करके दिया जा रहा है। जैसे एलिवेशन लाइट्स है, टाइल का वर्क है, ग्रेनाइट का वर्क है। और यहाँ पे जो गेट है, गेट यहाँ पे दो रहने वाले हैं, तो पार्किंग वगैरह में दिक्कत नहीं आए। जैसे कार्स वगैरह आप निकाल रहे हैं बाहर, अंदर पार्क कर रहे हैं, तो दिक्कत ना आए। बाकी यहाँ पे सामने की तरफ आप देखोगे तो प्लांटेशन काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए, पार्किंग यहाँ पे बहुत ही स्पेशियस आपको मिलने वाली है। पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं, कितने बड़े एरिया में आपको यहाँ पे पार्किंग का एरिया मिल रहा है। यहाँ पे पानी के लिए सेपरेट बिल्डिंग का बोरिंग है और लिफ्ट यहाँ पे है। तो अभी हम यहाँ पे 2 और 3 BHK के फ्लैट्स हैं, उनमें से 2 BHK का फ्लैट इस वीडियो में देखने वाले हैं। 3 BHK का वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगा। एक बार आप यहाँ पे जो अपना पार्किंग का एरिया है, इसका व्यू देख लीजिए किस तरीके का है। जगदम्बा नगर के नाम से ये जगह है जहाँ पे ये बिल्डिंग लोकेटेड है। और यहाँ आप देखोगे तो बिल्डिंग में पीछे के जो कॉर्नर है वहाँ भी काफ़ी अच्छे प्लांट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। बिल्डिंग आप देखते हो तो एक गेटेड कम्युनिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ यह आपका मेन एंट्रेंस यहाँ पे रहने वाला है। बिल्डिंग के अंदर आप एंटर करते हो, कोई भी यहाँ पे आता है तो यहाँ से पहले आप उनको एंटर करना होगा। और फिर यहाँ पे साइड में लिफ्ट है और यहाँ से आपका जो स्टेज का ऑप्शन है वो यहाँ मिलने वाला है। बिल्डिंग में सिक्योरिटी का पूरा यहाँ पे ध्यान रखा है। CCTV कैमरा वगैरह है, वीडियो डोर फोन है, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और हर फ्लोर पे यहाँ पे 4 फ्लैट है, टोटल 20 यूनिट है, जिनमें से कुछ ही यूनिट अभी यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी सोल्ड आउट है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2 BHK का फ्लैट है, 1000 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। लॉबी एरिया देख सकते हैं आप किस तरीके का, यहाँ पे लॉबी एरिया में आपको काम करके यहाँ पे दिया जा रहा है। साइड में लिफ्ट है जो कि ऑटोमेटिक है। और ये आपकी एंट्री रहने वाली है फ्लैट की, देख ही सकते हैं। मेन जो आपका डोर है किस तरीके का है, बहुत ही प्यारे तरीके से इसमें सनमाइका वगैरह का वर्क यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए, एंटर करते ही आपका लिविंग डाइनिंग एरिया आता है और बहुत ही स्पेशियस साइज में आपको ये मिल रहा है। 1000 स्क्वायर फीट में अपना ये फ्लैट बना हुआ है, जिसमें बालकनी आपको मिल जाती है, अटैच में बाथरूम वगैरह। अपन सभी देखेंगे अभी यहाँ पे क्या क्या किस तरह से बना हुआ है। एक बार आप इस एंगल से देखोगे तो यहाँ देखिए, एंटर करते ही मेन जो अपना डोर था उसके जस्ट पास में यहाँ पर आपका जो वीडियो डोर फोन का जो सिस्टम है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ है आपका सोफ़ा आप देख सकते हैं, 5 सीटर यहाँ पे लगा हुआ है, सेंटर टेबल यहाँ पे है। और पीछे इंटीरियर का जो काम है, वाकई बहुत ही शानदार यहाँ पे इंटीरियर का काम हो रखा है। सोफ़ा के जस्ट सामने की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे है आपका LED का पैनल और साइड में कुछ डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे रखे हुए हैं। नीचे की तरफ इसमें ड्रॉवर्स आपको मिल जाते हैं। और इसके जस्ट पीछे की तरफ आप देखोगे तो मेटल फिनिश में बहुत ही प्यारा सा वर्क यहाँ पे करके दिया जा रहा है। ऊपर की डिज़ाइन आप देख लीजिए एक बार, सीलिंग की जो डिज़ाइन है, उषा के यहाँ पे फैन लगाए हुए हैं, AC फिटिंग के पॉइंट आपको मिल जाते हैं। और अभी आप जो ये फ्लैट देख रहे हैं, अगर आप एजिट खरीदना चाहते हैं तो इसकी रेट है 41 लाख रुपये, अगर सेमी फर्निश्ड आप खरीदना चाहे तो 38 लाख रुपये में आपको ये मिलने वाला है। लिविंग के बाद में ये आपका डाइनिंग एरिया आ जाएगा, जहाँ आप 4 से 6 सीटर डाइनिंग अपना जो एरिया है वो सेट कर सकते हैं। आगे की तरफ है आपका मॉड्यूलर किचन, चौड़ाई यहाँ पे देखिए किचन की तो लगभग 6 फीट की है। और काम इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा यहाँ पे किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉवर्स देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको ये मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ कैबिनेट यहाँ पे दिए हुए हैं, चिमनी यहाँ पे हिंडवेयर की आपको लगा के दी जा रही है। और पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको विंडो का एक ऑप्शन मिलता है,
बाकी जगुआर की आपको यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग मिल रही है, साउंड प्रूफ यहाँ पे मिल जाता है आपको सिंक एरिया, और किचन में भी देखोगे तो यहाँ भी सीलिंग का काम आपको करके दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ अपना एक बेडरूम है, वहाँ एक साइड में एक बेडरूम है, ये कॉमन और अटैच दोनों तरह से यूज कर सकते हैं अपन जो बाथरूम है। बाथरूम का लुक देखिए एक बार, एग्जॉस्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, वॉल माउंट सीट है, और ये जो बाथरूम अभी आपने देखा है इसे कॉमन और अटैच दोनों ही तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इस बेडरूम में इसका एक गेट दिया हुआ है, और यहाँ आप देखिए बेडरूम, एक किंग साइज का डबल बेड यहाँ पे लगाया हुआ है, पीछे भी कुछ इंटीरियर का काम यहाँ करके दिया जा रहा है, वार्डरोब, ड्रेसिंग एरिया, LED पैनल, सब कुछ आपको यहाँ पे कंप्लीट काम करके दिया जा रहा है। जैसे यहाँ आप सामने की तरफ देखिए, इसके पूरी ही वुडन में बनी हुई है वार्डरोब, और डबल वार्डरोब के साथ आपको ये एरिया यहाँ पे मिल रहा है। सामने की तरफ आपका ड्रेसिंग एरिया, और यहाँ है बालकनी, एक बार बालकनी का व्यू देखिए। यहाँ पे जो बाथरूम था वो आप देख सकते हैं, ये है अपना सेकंड बेडरूम, और ये भी काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है, और इसमें भी आप देखोगे तो डबल बेड आपको यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है। साथ ही एक बार ऊपर की डिजाइंस देखिए आप किस तरीके की है, काफ़ी खूबसूरत काम हो रखा है पूरा ही। पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों साइड मिरर लगाए हुए हैं, बाकी यहाँ आपका कर्टेन मिल जाता है, पीछे की तरफ इसमें विंडो है। जस्ट बेड के सामने की साइड यहाँ पे LED का पैनल तैयार करके दिया जा रहा है, नीचे की तरफ भी ड्रॉवर है, तो स्टोरेज वगैरह का भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा हुआ है। और यहाँ मिल रही है आपको वुडन की वार्डरोब, और इस बेडरूम में मिल जाती है अटैच में आपको बाथरूम, वेंटिलेशन वगैरह पूरा प्रॉपर है इसमें। और यहाँ पे 2 और 3 BHK के फ्लैट्स हैं अपने पास, अभी हमने 2 BHK का देखा, 3 BHK का वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगा। और यहाँ इस बेडरूम में भी मिल रही है आपको एक बालकनी, यहाँ है अपनी बालकनी, बालकनी एरिया आप देख ही सकते हैं, और यहाँ पे आपको UPVC स्लाइडिंग जो डोर है वो आपको मिल जाता है, कर्टेन वगैरह यहाँ पे आपको लगा के दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने 2 BHK का अभी फ्लैट देखा है, 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, JDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ कॉन्टेक्ट कर आप साइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ अलग तरीके की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ आप फिल्टर करके अपनी बजट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ यहाँ पे जो रूफ टॉप गार्डन है वो भी हम एक बार देख लेते हैं, साथ ही यहाँ के आसपास की जो लोकेलिटी है वो किस तरीके की है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लिफ्ट जो है आपकी यहाँ पे, जो आपका टॉप फ्लोर है, छत जो है आपकी वहाँ तक आके खुल रही है, और यहाँ से छत पे आते हैं तो यहाँ आप फ्लोरिंग देखोगे तो फ्लोरिंग आपको मोजेक टाइप की यहाँ पे मिल जाती है पूरी, जो कि हीट प्रूफ होती है। और आसपास से साइड में आप देखोगे जैसे वॉल के, तो यहाँ आप देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रूफ टॉप गार्डन आपको तैयार करके दिया जा रहा है। सामने की तरफ भी आप देख लीजिए, आर्टिफिशियल यहाँ पे ग्रास लगाया हुआ है, और इसके जस्ट पीछे की तरफ अभी दिखाऊंगा मैं आपको, सीटिंग अरेंजमेंट भी कुछ यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ आपको सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, पीछे की साइड यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कुछ इंटीरियर का काम करके दिया जा रहा है, लाइटिंग वगैरह का काम काफ़ी अच्छा है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको आसपास की लोकेशंस दिखाऊं, तो यहाँ साइड में आप देखोगे जो मल्टी स्टोरी वगैरह दिख रही है आपको उस साइड में, वो रंगोली गार्डन है। इधर की साइड सामने की तरफ सेल्वी हॉस्पिटल, वैशाली नगर आ जाता है पूरा, और साइड में आप देखोगे
तो यहाँ आपका जो अजमेर रोड है, 200 फीट बाईपास है, वो एरिया इस साइड में रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही ऐसे और भी प्रॉपर्टीज़ के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और विजिट आप करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहाँ कॉन्टैक्ट करके आप साइट विजिट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।